हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा नुस्खा लेकर आ गई हूँ जो एक इंग्रेडिएंट है वो है बाहर का, जो दो इंग्रेडिएंट है वो आपके घर में बहुत इजीली अवेलेबल होंगे। तो जो हमारे ये रेमेडी है वो रेमेडी कम हमारी ऑयल्स और मिक्सचर ज़्यादा रहेंगी, जिससे हमारी जो स्किन रहेंगी वो मॉइस्चराइज रहेंगी और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन रहेगा वो बहुत इजी रहेगा, अच्छा रहेगा और जो रिंकल्स आपको बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो गए हैं वो बहुत रिड्यूस होंगे। तो ये जो है मेरे हाथ में ये है कैप्सूल, वो है विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई जो रहता है वो बहुत आपके इजी लोकल स्टोर में या फार्मेसी में अवेलेबल होंगी और बहुत कम प्राइस में ये आपको मिल जाती है। सिर्फ इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो ऑयली स्किन वाले हैं, ये ड्राई स्किन वाले भी पहले इसका पैच टेस्ट ज़रूर करें फिर ही अपनी स्किन पर अप्लाई करें, नहीं तो कभी कभी आपको छोटे छोटे जो दाने हैं अगर स्किन प्रॉब्लम है तो आपको वो स्किन के ऊपर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले इससे पैच टेस्ट ज़रूर करें फिर ही आप इसे यूज़ करें विटामिन ई की, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखने में मिलती है। तो विटामिन ई में एक्ने से जो है हमारे जो मुहासे होना स्टार्ट होते हैं, एक्ने बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं आना, जो स्किन पे बिल्कुल अच्छे नहीं रखते और वो ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, तो उससे ये विटामिन ई छुटकारा पाएगा। अगर आपको एज से पहले रिंकल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, फाइन लाइन आना स्टार्ट हो गई है, वो भी ख़त्म होंगी। और पोर्स की अगर आपको प्रॉब्लम है, पोर्स की बहुत ज़्यादा आपके ओपन हो गए हैं, तो वो भी आपके बहुत हद तक के कम हो जाएंगे। मैं पूरी एक विटामिन ई की कैप्सूल ले रही हूँ, आपको ये सिर्फ एक ही विटामिन ई की कैप्सूल लेना है, ज़्यादा भी अप्लाई ना करें। जो दूसरा इंग्रेडिएंट आता है वो है हमारा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल सबके घर में बहुत ईजीली अवेलेबल होता है। कोकोनट ऑयल हम हेयर पे तो यूज़ करते ही है पर आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा पाया जाता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। मैंने 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ले लिया है। ये जो मिक्सचर मैं बना रही हूँ आप मंथ या वीक के लिए भी बना के रख सकते हो। ये मिक्सचर मेरे 2-3 दिन तक के आराम से चल जाएगा। आपको रोज़ अप्लाई करना है पर पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें फिर ही अप्लाई करें। और पैच टेस्ट आप हाथ पर करें या कान के पीछे करें, अगर आपको स्किन इरिटेशन नहीं होता है विटामिन ई से तो ही अपने फेस पर अप्लाई करें। ये जो मैं मिक्सचर बता रही हूँ आप ओवरनाइट के लिए है, सुबह अगर आप लगाते हो तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पोल्यूशन जो रहता है वो आपके स्किन पर डस्ट बैठना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी स्किन जो है वो बहुत गंदी दिखना स्टार्ट होंगी, क्योंकि डस्ट के कारण आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाएंगी और उससे और ज़्यादा एक्ने स्टार्ट हो जाएंगी आना। तो आप ओवरनाइट के लिए ही बहुत अच्छी है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट आता है अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपके पास नहीं है तो जो मेरा विटामिन ई और कोकोनट ऑयल है वो भी आपके स्किन के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आपके रिंकल्स, एक्ने, एंटी एजिंग क्रीम बहुत सारी चीज़ें और मॉइस्चराइज रहेंगी आपकी स्किन। ये मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल से आपके जो स्किन है वो हाइड्रेट रहेंगी और सॉफ्ट और स्मूथ रहेंगी यानी सॉफ्टी बटरी रहेंगी। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा और जो आपके आँखों के पास भी आप ये चीज़ मिक्सचर को लगा सकते हैं, आपकी जो पफीनेस और डार्क सर्कल्स भी बहुत हद तक के रिमूव हो जाएंगी। अगर आपको स्किन इरिटेटेड प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। जैसे ही मैं अपने हाथ पर लगा रही हूँ वैसे ही आपको थोड़ा थोड़ा लेकर अपने फेस पर पूरी जगह लगाना है और उसे अच्छे से लगा लेना है। तो मेरी स्किन अभी कितनी शाइनी कर रही है और कितनी स्मूथ लग रही है, आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर करें फिर ही अप्लाई करें। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू द मिरर पर्ल चैनल
एंड हिट द बेल आइकन की बाजू की जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार क्लिक कर दीजिए कि आपको जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए और आप जल्दी से जल्दी इसके बेनिफिट उठा पाए। एंड कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये ओवरनाइट क्रीम एंड मिक्सर कैसा लगा मेरा। ये सिर्फ दो हमारे ऑयल से, आपके पास इसमें से कोई ऑयल नहीं है तो आप दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं, जैसे आलमंड ऑयल हो गया। सो बाय बाय।